नमस्कार, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ 3 चीज़ों से गुलाब जामुन, और जो कि हम बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के बनाएंगे। और ये आज स्पेशल गुलाब जामुन बनेंगे मैंगो फ्लेवर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। मैंगो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो अभी हम गैस ऑन कर देते हैं। दूध को हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है, तब तक हमने यहाँ पर एक आम ले लिया है। इसे छील करके, इसके टुकड़े करके हम इसका पल्प बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने आम काट के तैयार कर लिया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। ये मैंने मीडियम साइज का आम लिया था। तो फ्रेंड्स, हमने आम का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार किया है, बिल्कुल महीन, उसको बारीक फाइन पेस्ट तैयार करना है आपको। कुछ भी इसमें गुठली या लम्स कुछ भी नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसना है हमें इसे। फ्रेंड्स, हमें दूध को हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। और साइड में जो इसमें मलाई जमती है वो आप दूध में मिलाते रहें। फ्रेंड्स, हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आधे से भी कम हो गया है। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें, हमने जो मैंगो का पल्प हमने तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे लगातार चलाते हुए हमें इसका मावा बनाना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा जो मावा है, मैंगो मावा, वो तो बिल्कुल बन करके तैयार है। बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है इस मावे ने, तो हमारा जो मावा है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। बस कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है कि आम पीसते समय आप बिल्कुल पानी ना डालें उसमें, और लगातार चलाते हुए पकाएं। आम डालने के बाद इसको चिपकने का डर रहता है, तो थोड़ा आप इसे लगातार चलाइए और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप फ्लेम को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अभी हम इसे ठंडा कर लेते हैं, तब तक हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 2 कटोरी चीनी ले ली है। ये आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, और या आपके पास अगर मेजरिंग कप है तो आप 2 कप चीनी ले लीजिए और उसमें 2 कप ही पानी डाल दीजिए। चाशनी को हम चला लेते हैं। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। चिपचिपी चाशनी बनने तक हमें इसे बनाना है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी सही बनी है या नहीं। ये हमारे अंगुलियों में हम जब इसे ले रहे हैं तो ये चिपक रही है, हमें ऐसी ही चाशनी बनानी है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। अभी इस चाशनी को हम एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं हमारे मावे की तरफ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया मावा बनके तैयार हुआ है, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे कि ये मावा कुल कितना बना है। 1 कटोरी या 1 कप ले लीजिए, जो भी आपके पास है, तो उसमें हम इसको मेज़र करेंगे कि इसका कितना क्वांटिटी है। तो ये देखिए, हमने मावे को मेजरिंग कप में डाला है और ये 1 कप मावा है। तो हमें इसको मेज़र इसीलिए करना है क्योंकि हमें इसमें अब मैदा मिलाना है। तो मैदा हम उतना ही मिलाएंगे। यदि हमारे पास जैसे 1 कप है या 1 कटोरी मावा हुआ है तो उसका 1/4 पार्ट हमें उसमें मैदा ऐड करना है। तो यहाँ हमने 1/4 कप मैदा ले लिया है, क्योंकि हमने 1 कप मावा लिया है, मैंगो मावा। तो यहाँ हमने 1/4 कप मैदा ले लिया है। अभी हम इसे एक बड़ी थाली या बड़ी प्लेट में ले करके मिक्स करेंगे और अच्छे से चिकना होने तक मस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मावा मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने मावा और मैदा को मिला करके लगभग 8 से 9 मिनट इसको मसल लिया है। ये अच्छा डो फॉर्म में आ गया है अब। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके हथेलियों की सहायता से इस तरह से बिल्कुल गोल गोल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गुलाब जामुन के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं।
ये बिल्कुल चिकने बॉल्स बनाने हैं आपको, कहीं से इसमें दरार नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ घी गरम करने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में, और अभी इसे हम हल्का गरम करेंगे। और घी आपको उतना लेना है जिसमें आपके गुलाब जामुन अच्छे से डूब जाएं। फ्रेंड्स, हमारा घी हल्का गरम हो चुका है, ऐसे हाथ रखेंगे हम इस पर तो हल्की हीट हमारे हाथ पे लग रही है, मतलब हमारा बिल्कुल घी अब तैयार है फ्राई करने के लिए। और हमें एक एक करके अब इसमें गुलाब जामुन डालने हैं। फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन में से बबल्स उठने लगे हैं, तो इस टाइम पे हमें कोई भी चम्मच या किसी भी कलछी से इसे नहीं चलाना है। इस तरह की डंडी ले लीजिए आप, और इस तरह से गोल गोल चलाना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो तोड़ना नहीं है हमें इसे। इस तरह से हम चलाएंगे तो वो अपने आप ही पलट जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे फ्राई करना है, और जैसा आप कलर इसका रखना चाहें, डार्क ब्राउन या काले गुलाब जामुन आपको पसंद है तो आप इसको थोड़ा डार्क फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन फ्राई होके बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी हमें इसे एक जारे में ले लिया है और सीधा हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिए हैं, इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम हमारा दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा दूसरा बैच भी इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और इसे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है तलते समय कि आपको बीच बीच में इसको चलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बैच भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसे हम निकाल के घी में से और चाशनी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बने हैं, मैंगो गुलाब जामुन। और इसे पिस्ता काट करके हमने गार्निश किया है, और मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें अंदर तक रस गया है। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बने हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं और एक नए फ्लेवर में आपको बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।